लगा के तो खतरनाक है बउआ, वही खतरनाक है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि अभी मॉर्निंग का वक्त है और हमें एक कॉल आ चुका है एक मेजबान को बचाने के लिए, तो जुड़े रहेंगे हमारे साथ वीडियो में अंत तक। यहाँ पर एक घर है, आप देख सकते हैं हमारे पीछे, बिल्कुल ये सीढ़ी लगाया हुआ है और ये करकट का मकान है। यहाँ पर सांप देखा गया है। इन लोग का कहना है कि दोनों साइड में सांप है। हम कोशिश करेंगे उसको निकालने का, अपना 100% जो हम हमेशा देते हैं, तो प्रयास करेंगे इस सांप को निकालने के लिए। तो हमारे साथ वीडियो में जुड़े रहें। ये हमारे मित्र भी आ गए हैं, शशि भी है, दोनों में एक हम लोग का टीम वर्क हमेशा कामयाब होता है, आप जानते ही हैं, तो जुड़े रहेंगे हमारे साथ। हो गया कंफर्टेबल, देख लीजिए अपना खड़ा होने का जगह देख लीजिए, ठीक है, और होशियारी से अपना सुरक्षा करते हुए लगा कि जो सीमेंट दिया हुआ पाइप का इधर तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, बहुत मेहनत करने के बाद सांप हमें नजर आया है। तो बने रहेंगे हमारे साथ वीडियो में अंत तक। इसको अभी पहले बाहर निकालेंगे, उसके बाद जानकारी दे करके इसको जंगल में जो है पर्यावरण में इसका रिलीज करेंगे। छुपा हुआ है, दिक्कत होगा निकालने में, पर हमने मेहनत किया तो सामने है, पर निकालते हैं। मेरा अंदर घुसा हुआ है, इधर है, इधर नहीं है, उधर गया, उधर दब गया भैया, मत रहिए भैया, दीवार हिलता है। निकल रहा, निकल रहा, उधर निकल रहा। सबसे अच्छा तोड़िए मत, वहां से लकड़ी से हो रही है, एकदम बढ़िया बात, ना 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 मत तोड़िए ना, आने भी है ना उसका जगह, लकड़ी से हो रही है, अपने पीछे खींचेगा, शरीर को जब घूरिएगा ना, इतना तो ईटा तोड़ बात है, हाँ बनाएगा भैया, उसमें टेंशन का है, पूछ कर करा थोड़ा है, घुरने से निकल साथ चलिए, तोड़िए तोड़िए, शरीर को जब छेड़िएगा ना, हाँ चलो हम शरीर को छेड़ दिए, ठीक, हो सकता है उधर अंदर किसी तरह से अगर चला गया तो, नहीं जाएगा उधर, अब रास्ता नहीं, आप कैसे जानिएगा, देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से हमारा पार्टनर हमको डिस्टर्ब कर रहा है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग आदमी है, बात नहीं, पीछे जगह नहीं है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो दोस्तों, एकदम अंदर दादी ऐसा निकलने की जगह आ रहा, आ रहा निकले, निकल रहा था इधर, मोड़ रहा वहीं पे, लकड़ी पतला दो यार, पर हमको धुंधला लग रहा है, अरे उससे पतला तो था यार, यहाँ देखते जाइए सांप कैसे निकल रहा है, इसको भाई निकाल रहे हैं, साफ 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 चलिए 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 चला गया, पे डालिए जिसको भी, हाँ वही ठीक है, अभी
आधा निकल दीजिए तो पास करूँ। एक निकल गया, निकल गया। कितने रुपये अभी नहीं निकले? चला गया, घूम गया थे। टीम वर्क हमेशा कामयाब होता है, तो हमने एक टीम बनाई, शशि भैया इनको बुलाए और अभी हम लोग दोनों मिलकर गए हैं इस सांप को रेस्क्यू किया। आगे चलिए, आगे चलिए, वहाँ चलिए। फाइट करने की कोशिश कर रहा है, ये करीब 6 फीट का है। एक वहाँ पे भी है, तो खतरनाक बड़ा है। धमिनिया के कल तक नहीं की, धमिनिया के करकाने निकल गया। तो दोस्तों ये सांप अभी काफी एग्रेसिव है और गुस्से में है, क्योंकि दोस्तों ये जब गर्दन फुलाता है तो ये अक्सर बाइट करने का मूड में रहता है, और चूंकि ये बिना जहरीला होता है दोस्तों, ये इसमें जहर बिल्कुल भी नहीं होता है, इसमें 0% भी जहर नहीं होता है, और लोगों को में इसके बारे में एक अंधविश्वास फैला हुआ है कि ये सांप जो है गाय का दूध पीता है। सांप दोस्तों दूध नहीं पी सकते हैं, चूंकि इसमें दूध पचाने का एंजाइम जो होता है मनुष्य के या फिर हमारे अंदर, वो सांप के अंदर नहीं होता है, इसलिए ये सांप जो होते हैं कि दूध नहीं पचा पाते और 4 से 5 दिन में इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसका एक और अंधविश्वास है, मिथक है कि दोस्तों इसका पूंछ में जहर होता है, या फिर पूंछ जो है कि नाक में डाल देगा, या फिर शरीर में अगर आप पूंछ से मार देगा तो सलने लगेगा, गड़ने लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। हमारे वीडियो के माध्यम से आप सांपों के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, तो इसलिए हमारे चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी सांपों से जुड़ी जानकारी के वीडियो और इस तरह से रोमांचक वीडियो, क्योंकि आप देख सकते हैं हम लोग कितना रिस्क लेकर के इस मेजबान को बचाते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फाइनली हमने इसको रेस्क्यू किया, तो अभी हम इसको जाएंगे पर्यावरण में रिलीज कर देंगे पुनर्वास हेतु। धन्यवाद हम देना चाहेंगे हमारे इस भाई साहब को, इन्होंने हमें कॉल करके बुलाया, ये हमारा दोस्त है, इन्होंने हमें बुलाया कि उनके घर में सांप देखा गया है, तो हम चाहेंगे कि इसी तरह से आप भी हमें इस बेजबान को बचाने में हमारा मदद करें और हमारे चैनल को जो है सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।